नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय है दक्षिण दिशा। आपके घर की दक्षिण दिशा का फर्श का लेवल ऊंचा है, छत का लेवल ऊंचा है, तो आपके यहाँ किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में आप अग्नि दिशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में जानकारी दी थी कि साउथ ईस्ट के भाग में अग्नि दिशा में अग्निदेव के स्थान पर फर्श का लेवल ऊंचा होता है तो घर के अंदर किस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। आज मैं आपको दक्षिण दिशा यानी साउथ डायरेक्शन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपका घर चाहे किसी भी दिशा का है, आपके घर की दक्षिण दिशा फर्श के लेवल में ऊँची है या छत के लेवल में ऊँची है, तो हमेशा ही घर के अंदर रहने वालों की सब कामनाएँ पूर्ण होती है। घर में रहने वाले जितने भी मेंबर हैं सबका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दक्षिण दिशा में जब भी दोष आता है तो सबसे पहले जो घर की महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आती है, और दक्षिण दिशा सही होती है तो भरपूर प्रसिद्धि भी मिलती है, क्योंकि दक्षिण दिशा फेम की दिशा है। यह हमेशा प्रसिद्धि देती है, फेम देती है। दक्षिण दिशा को यम की दिशा भी कहा गया है और मंगल का स्थान भी कहा गया है, इसलिए आपके घर की दक्षिण दिशा हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए। दक्षिण दिशा में कभी भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है जो आपके घर की दक्षिण की दिशा है, जो यम की दिशा है, ये हमेशा ही सही होनी चाहिए। फर्श का लेवल हमेशा ऊंचा होना चाहिए, छत के लेवल में भी दक्षिण दिशा हमेशा ऊंची होनी चाहिए। जब भी घर की दक्षिण दिशा ऊंची होती है तो जो बातें मैंने आपको बताई है, भरपूर प्रसिद्धि मिलती है, भरपूर पैसा भी मिलता है। दक्षिण दिशा सही होती है तो निरोगी काया भी मिलती है, इसी के साथ जो आपकी मनोकामनाएँ हैं वो सारी मनोकामनाएँ भी पूर्ण होती है। लेकिन दक्षिण दिशा का सही होना बहुत ज़रूरी है। दक्षिण दिशा सही नहीं होगी तो जो बातें मैंने आपको बताई है इनमें कहीं ना कहीं आपको कमी मिलेगी। दोष एक नहीं कई प्रकार से बनता है और फ़ायदा भी एक नहीं कई प्रकार से होता है। आप अपना घर बना चुके हैं और आपके यहाँ दक्षिण दिशा में वास्तु दोष है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर के अंदर जो महिलाएँ हैं उनका स्वास्थ्य कैसा है। आपने अपने घर की दक्षिण दिशा को सही करना है, दक्षिण दिशा ऊंची रखनी है और छत के ऊपर अकेला एक कमरा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। दक्षिण दिशा में आप स्टोर भी बना सकते हैं, आप अपना बेडरूम भी बना सकते हैं, दक्षिण दिशा में आप स्टेयर्स भी बना सकते हैं। ये सभी वास्तु के अनुसार अच्छी रहती है, और दक्षिण दिशा छत के लेवल में भी ऊँची हो तो भी आपको हमेशा फ़ायदा देती है, भरपूर प्रसिद्धि देती है, भरपूर धन दौलत देती है। जो बातें मैंने आपको बताई है, आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में मेरी वीडियो को शेयर करें। आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहते हैं कि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, उसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगले प्रोग्राम में मैं आपको साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के फर्श के ऊंचे होने के प्रभाव के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।